हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज गदर 2 का एक नया गाना आया है। मैं निकला गड्डी लेके, मतलब पुराना गाना है, हमें पता है, काफी फेमस गाना है ये। बट देन इन लोगों ने लास्ट वीक कुछ डाला था कि समथिंग सरप्राइजिंग एलिमेंट इज कमिंग अप करके, तभी लोगों ने गेस कर लिया था इट विल बी मैं निकला गड्डी लेके। और हमने भी कहा था ये सॉन्ग तो होना ही चाहिए इस मूवी में एक्चुअली। सो वो रिक्रिएशन करके कैसे निकल कर आएगा, वो देखना है अभी। अब छोटा सा एक ग्लिम्स मिला था ट्रेलर में, हाँ। एंड देन वो उसका थोड़ा प्रोमो भी निकला था, कल निकला था। बट देन नाउ वी आर हैविंग दैट फुल सॉन्ग। एंड इस टाइम सकीना है, तारा सिंह है एंड बेटा जीतू भी है। रिमेम्बर फर्स्ट वाले में तारा सिंह सकीना को इम्प्रेस करने के लिए डांस कर रहा था नाउ। तो चलो हम देखते हैं। ओ मैनू एक मोटरसाइकिल दिला दो ना, कुछ और मांग ले ना, मोटरसाइकिल दिला दीजिए ना। उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, ओ उस मोड़ पे वो मुटियार मिली, जाते अमला पागल हो गया। उसकी जुल्फों की छांव में मैं बिस्तर डाल के सो गया। ओ जब जागा ये धागा, सब फाटक सब सिग्नल मैं तोड़ आया, मौत दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मौत दिल छोड़ आया। शर्मा के वो यूं सिमट गई, शर्मा के वो यूं सिमट गई, जैसे वो नींद से जाग गई। मैंने कहा कल सुन ओ कुड़िए, वो डर के पीछे भाग गई। वो समझी घर उसके चोरी से, चुपके से कोई चोर आया, मैं उसके दिल छोड़ आया, हो एक मोड़ आया, मैं उसके दिल छोड़ आया, एक मोड़ आया, उन लोगों का जो सॉन्ग था वो निकला। आई थिंक 22 इयर्स बाद फिर से यू नो गदर 2 धमाल मचाने आने वाला है। बहुत मिक्स्ड, जब इसका ट्रेलर आया था ना, बहुत मिक्स्ड रिव्यू है। काफी नेगेटिव रिव्यूज भी हैं, काफी अच्छे रिव्यूज भी हैं, नेगेटिव रिव्यूज, क्योंकि
फर्स्ट पार्ट को जस्टिस करेगा या नहीं, ऐसे भी बहुत सारे चीज़ थे। वो भी डाउट हो जाते हैं लोगों को कि फर्स्ट पार्ट को वो ओवरकम करने मतलब कर पाएंगे, बिकॉज जब भी टू आता है लाइक पार्ट टू या पार्ट थ्री आता है, सीक्वल्स आते हैं, तो लोगों को वो डर रहता है बिकॉज वी हैव बीन थ्रू दिस, लाइक वैसे मूवीज है जो फ्लॉप हो गए थे या उस लेवल तक आया भी नहीं गया, फर्स्ट पार्ट से कोई कनेक्शन भी नहीं है काइंड ऑफ थिंग। बट यहाँ पर आई थिंक अनिल शर्मा ने दैट लाइक ही विल डू दैट जस्टिस एक्चुअली, आई वी होप दैट। एंड इसमें जैसे सॉन्ग के पहले स्टार्टिंग में दिखाया कि बेटे को बाइक चाहिए, एंड लाइक वी ऑल लाइक अ कॉमन फैमिली में जैसे होते हैं पेरेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं और बाइक भी बहुत बढ़िया सा रॉयल एनफील्ड स्टैंडर्ड, एंड उसी के साथ लाइक दे आर हैविंग अ फेस्टिव थोड़ा वो इवेंट काइंड ऑफ हो गया, एंड देन वेडिंग कुछ है शायद माँ बाप का दैट रोमांस के लिए या फिर उनकी जब खुशी लाइक हाउ ही इज स्टेयरिंग एट दैट काइंड ऑफ थिंग इज लाइक वो बहुत अच्छे से दिखाया गया, एंड लाइक वाओ नाइस एक्चुअली। अब कितने दिन, कुछ ही दिन बचे हैं 11th को मूवीज रिलीजिंग, 11th को काफी बड़ा मतलब 11th को नहीं 11th को क्लैश है, क्लैश है, वी आर हैविंग ओ माय गॉड का भी ट्रेलर निकल गया, एंड वी आर रिएक्टिंग ऑन दैट टू आल्सो, एंड स्टे ट्यून्ड, या एंड इफ यू लाइक दिस रिएक्शन लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और कोई सजेशंस हो कमेंट डाउन करो, आपको कैसा लगा जरूर बताओ।